अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान सर। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? एक मत से हुआ हुआ ये फैसला है। देखिए, बहुत सालों से प्रलंबित ये मुद्दा था, उसको हल करने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट ने किया है। बहुत उसका अभिनंदन करना पड़ेगा, और खासकर आम राय से, यानी 5-0 के वर्डिक से, एक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, जी जो 5 जजों का बेंच था, उन्होंने एक फैसला सुनाया है। अब मैं सभी से अपील करूंगा कि इस फैसले का आदरपूर्ण स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब कोई जब भी न्यायिक फैसला आता है तो सभी पक्षों का समाधान कभी नहीं होता। जी इसमें कुछ लोग हैं, उनको आगे न्यायिक प्रक्रिया करने का अधिकार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पे दायित्व तो रखा है, सरकार उसका पूरा निर्वहन करे। और मैं सभी दलों को, सभी राजनीतिक दलों को और सभी धार्मिक जो नेतागण हैं, उनको अपील करूंगा कि इसके आप भावनात्मक प्रश्न मुद्दा बनाइए। भारतीय जनता पार्टी इसको भावनात्मक मुद्दा बनाने का पूरे पूरा प्रयास करेगी। लोगों के जो आज गंभीर प्रश्न है, जो पेट पानी के प्रश्न है, जी जो हमारे रोजी रोटी के प्रश्न है, उसके ऊपर वापस हम चले जाएं, क्योंकि आज अर्थव्यवस्था जिस तरह से सिकुड़ रही है, जिस तरह से नौकरियां जा रही है, जिस तरह से कोई नई नौकरियां नहीं बन रही है, और जो इस तरह किसान, जो हमारी पोस्ट मानसून रेन्स हुए हैं, उसमें डूब गया है। पूरा खरीफ क्रॉप खत्म हो गया, रबी क्रॉप की सोइंग हुई नहीं है। तो इस हालत में सरकार जल्दी से आना बहुत ज़रूरी है। कोई इसे भावनात्मक प्रश्न बनाए, न कोई हार जीत का कोई पैसा करे, कोई जुलूस जल्लोस बनाए, ऐसे ना करे। प्रधानमंत्री ने भी इस तरह की अपील की, हमारे शीर्ष नेताओं ने अपील की है, और हमने भी इस निर्णय को आदरपूर्ण तरीके से स्वीकार किया है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन अब फिर से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया, जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनको जो भी फैसला है वो मान्य हो ना हो, उनको न्यायिक प्रक्रिया करनी तो कर दीजिए, सरकार को अपने काम करने दीजिए, उनको 5 एकड़ जमीन कहाँ देनी है, ट्रस्ट बनाना है, करने दीजिए। हम वापस महाराष्ट्र की जनता के सामने जो प्रश्न है उसके ऊपर चलते हैं। हम कितने दिन तक लोगों के रोजी रोटी के प्रश्नों से भागते रहेंगे? लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि इसका किसी ने क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट करके कहा है कि पहले मंदिर और फिर सरकार, महाराष्ट्र में अब सरकार बनाना है, जय श्री राम, इस तरह के नारे जो है वो फिर एक बार इस निर्णय के बाद शिवसेना लगाने लगी है। क्या कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति है, एक हिंदूवादी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी जाने के लिए तैयार है क्या? देखिए, अभी इसका क्रेडिट कौन ले, क्या करें, लेकिन लोग उस पर कोई तवज्जो नहीं देंगे, इसमें पूरा विश्वास है। अब तक हमने बहुत चुनाव में देखा कि भावनित मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े गए, जीते गए, लेकिन उससे लोगों के प्रश्न हल नहीं हुए। तो हम चाहते हैं कि आज जो भाजपा और शिवसेना का चुनाव पूर्व गठबंधन था, वो पूरी तरह टूट चुका है। राज्य में एक त्रिशंकु परिस्थिति है, और इस त्रिशंकु परिस्थिति में सरकार बनाने के लिए सरकार या आयोग ने जो भी एक सूचनाएं दी हैं, जो भी एक प्रोसीजर दिया है, कोड दिया है, उसके अनुसार राज्यपाल महोदय को आगे के कदम उठाने पड़ेंगे। आज राज्य में बहुत गंभीर परिस्थिति होते हुए भी आज सरकार नहीं है, इसलिए किसानों को राहत नहीं मिल रही है। तो जल्दी से जल्दी सरकार बनना बहुत ज़रूरी है। क्या कांग्रेस हाईकमांड इसके लिए जल्दी से जल्दी फैसला लेगा, ऐसा आपको लगता है? नहीं, जब परिस्थिति सामने आएगी तब हम अब तो सर पूरा चित्र क्लियर है, आप भी कह रहे हैं कि वो दोनों साथ नहीं आ सकते। वो नहीं आ सकते, उन्होंने खुद फैसला किया कि हम नहीं साथ रहेंगे। अब राज्यपाल महोदय को अगला स्टेप जो है उसको लेना चाहिए, उठाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि शिवसेना का साथ तभी कांग्रेस पार्टी देगी जब वो एनडीए से बाहर निकलेगी? नहीं, देखिए, ऐसी कोई शर्तें और भी हम नहीं लगाना चाहते। वो अगर जो भी फैसला होगा, कौन कौन साथ जाएगा, किस तरह का गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा, क्या हम गठबंधन का साथ देंगे या विपक्ष में बैठेंगे, या अगर साथ देंगे तो क्या होगा, ये मैंने जैसे पहले से कहा कि हाईकमांड में ये फैसला होगा। हम परिस्थिति का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, और वो विश्लेषण करके हम अपने आलाकमान के सामने पूरी परिस्थिति रखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स रखेंगे। कल भी हमारी एक बैठक हुई थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस, जो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, और
बट मीटिंग खत्म होते समय ही इस्तीफा की घोषणा हमने सुनी। तुरंत हम अपने प्री पोल अलायंस पार्टनर जो हमारे गठबंधन के जो एक अहम नेता है शरद पवार जी, उनके साथ मैंने बैठ के बातचीत की और जो उभरती हुई राजनीतिक परिस्थिति है उस पर हमने जायजा लिया। मेरा आखिरी सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में स्थिति को देखते हुए मध्यावर्ती चुनाव चाहती है? नहीं, चाहने से कुछ होता नहीं है। राज्यपाल क्या चाहते हैं और लोग क्या चाहते हैं वो है, लेकिन उसके लिए तैयार है क्या? अगर उनकी लोगों ने फैसला दिया है और लोगों ने फैसला दिया है, हमेशा लोग वोटिंग करते हैं सरकार बनाने के लिए, और सरकार बनाने की जिसकी जिम्मेदारी थी, जिसको लोगों ने वोट दिया, वो भाग गए जी। तो अब देखिए, महाराष्ट्र की जनता को आप क्यों सजा देंगे फिर और चुनाव का खर्चा करके? आप जो परिस्थिति उभरी है उसमें हमको सरकार बना के लोगों के प्रश्नों की तरफ फिर से मुड़ना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के। कुल मिलाकर अयोध्या के मामले पर पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, और महाराष्ट्र में जिस तरह की परिस्थिति है उसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी अभी भी वेट एंड वॉच की भूमिका में है और इस पूरी राजनीतिक परिस्थिति का विश्लेषण करती हुई दिख रही है। रौनक कुकड़े, मुंबई।